दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। डॉक्टर साहब आप हमें कैल्शियम की टैबलेट दे दीजिए, डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम के कैप्सूल दे दीजिए, डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम का इंजेक्शन लगा दीजिए, डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम का पाउच दे दीजिए, डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज़ करिए, सिरप दे दें या कुछ भी ऐसी चीज़ करें कि हमारे अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाए। देखिए क्या होता है कि जब आपकी उम्र 40 साल या 40 साल से ऊपर की तरफ चलती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में से कैल्शियम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती है, उसे आपको बाहर से किसी भी सोर्स से लेना होता है। कहा जाता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध है, मक्खन है, दही है, पनीर है, ये कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। इन्हें खाने के बाद आपकी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। अच्छा दिक्कत ये नहीं है कि जब 40 साल के ऊपर हो रहे हैं आपको ये चीज़ें हो रही, क्योंकि वो सभी के साथ है, नेचुरल है। आप अच्छा खा रहे हैं बुरा खा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो नेचुरल चीज़ है। शरीर के अंग धीरे धीरे देखिए कम काम करना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी बॉडी 20 साल की थी वो 50 साल की रहेगी, जो 50 की थी वो 90 में नहीं रहेगी। तो ये अंतर आता है। समस्या होती है कि जब जवान लड़के लड़कियां आकर के कहते हैं जी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है, उठते बैठते हैं तो पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कंधों में दर्द रहता है, ऐसी अगर वजह बनती तो बहुत दुखदायी और बहुत ही पीड़ादायक होती है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं में कैल्शियम की कमी कब हो सकती है? देखिए उनके साथ एक थोड़ा सा केस ये है कि 40 साल की बात नहीं, उनको कम उम्र में भी ये दिक्कत हो सकती है। कारण क्या है कि देखिए अगर आपको पीरियड से संबंधित कोई समस्या चल रही है, क्योंकि आजकल 90% लेडी सफ़र कर रही हैं पीरियड से संबंधित बीमारी की, चाहे PCOD हो, PCOS हो, आपको सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, कुछ भी समस्या है, आपके डेट से संबंधित कोई दिक्कत है तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी जाने की यानी ल्यूकोरिया की आपको समस्या है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिलीवरी हुई है किसी महिला की, बेबी को जन्म दिया है, उसके बाद भी आपकी बॉडी से कैल्शियम कम हो जाता है, ये चीज़ें महिलाओं में बनती हैं। बुजुर्गों में क्या होता है, देखिए जब कैल्शियम कम होता है, पुरुषों की बात करूँ तो घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, उठते बैठते आपको बहुत हाथों पैरों में दर्द होगा, आप गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हड्डी आपकी एकदम से टूट जाती है। लेकिन आप वहीं देखेंगे कि कोई छोटा बच्चा है, अगर वो गिर जाए तो उसकी हड्डी नहीं टूटती। रीज़न है कि उसकी जो हड्डियां हैं वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, और बुढ़ापे में आपकी हड्डी फ्लेक्सिबल नहीं रहती, वो स्ट्रेटन हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो उसमें आपको क्या होता है, लचीलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा जंगल में जब पेड़ खड़े रहते हैं और तेज तूफान या आंधी आती है तो जो सीधे पेड़ खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, और जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो लचीले होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। वही बच्चों के साथ है, आप बेड पर से भी आपने देखा होगा बच्चा गिर जाएगा तो हड्डी नहीं टूटेगी, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है, जी बाथरूम से निकले थे नहा करके फिसल गए, पैर की हड्डी टूट गई, अब रोड डलवानी पड़ी, तो ऐसी कंडीशन आपके साथ बन जाती है कैल्शियम की कमी के कारण। अब आप कैल्शियम के सोर्स मैंने आपको बताएं, आप उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, उससे भी आपको फायदा नहीं होता। आप दूध पी रहे हैं नहीं फायदा हो रहा है, क्या करें, पनीर खा रहे हैं नहीं फायदा हो रहा है, अब खा यही तो कर सकते हैं ना, आप लेकर के आएंगे खाएंगे वही तो चीज़ कर सकते हो, आप नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ से आपको कैल्शियम। तो ऐसी कंडीशन में घर का देसी नुस्खा बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फायदेमंद काम करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तिल की, और तिल है सफ़ेद, क्योंकि क्वेश्चन मुझे पता है एकदम से पुटअप होगा कि सर काले तिल या सफ़ेद तिल, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको लेने हैं सफ़ेद तिल। अब प्रयोग बड़ा आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि कैसे करना है, अब ये आपके ऊपर है कैसे खाना। आपको एक चम्मच तिल, सफ़ेद तिल रोज़ाना खाने, आप इसको चाहे तो सुबह के टाइम दूध से खा लें, चाहे आप इसको दोपहर के टाइम दूध से खा लें, आप इसको पानी से भी खा सकते हैं, एक चम्मच डाली चबा करके भी खा सकते हैं, मत पीजिए पानी मत पीजिए दूध, उसके ऊपर कुछ पीना चाहते हैं पानी या दूध वो आप ले सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। या फिर आप करें तिल के लड्डू बनवा लें, बड़े अच्छे लगते, बड़े स्वादिष्ट लगते, थोड़ा सा उसमें मावा मिल जाता है, खोया जिसे बोलते हैं, और उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, एक लड्डू रोज़ाना खा लें आप, या एक लड्डू सुबह एक लड्डू शाम को खा लें। तिल की आप एक तरह से पंजीरी जमवा लें, तिल की कोई मिठाई बर्फी बनवा लें आप, वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप उसे खाना चाहते हैं। तिल में बूरा मिला करके उसे खा जाइए, मावा मिलाइए तिल में, खोया जिसे बोलते हैं उसे बूरा मिलाइए उसे ऐसे ही खा जाइए, मतलब लड्डू बनाइए। तो तिल किसी भी रूप में आपकी बॉडी के अंदर जाने चाहिए, एक चम्मच तिल की बात है, एक चम्मच तिल आपको खाने हैं रोज़ाना। और इसको कब तक खाना है, देखिए इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि जी आपने लगातार खाया तो कोई साइड इफेक्ट होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे रेगुलर खा सकते हैं।
कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। अगर आपको लगता है कि चलो मैंने 2 महीने खा लिए, मैं रोकना चाहता हूँ, रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना कि गर्मियों में इसको जब ज़्यादा गर्मी हो तो प्रयोग ना करें, क्योंकि तिल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो ज़्यादा गर्मी है तो उस दौरान इसका इस्तेमाल ना करें। हल्की सर्दी है, नॉर्मल टेम्परेचर है, बारिश का मौसम है या फिर सर्दियाँ हैं अच्छी, तो ऐसी कंडीशन में आप अच्छा खा सकते हैं। जब गर्मी आए तो स्किप कर दें, रेगुलर भी मत खाइए, स्किप कर दीजिए, फिर आप सर्दियाँ तब इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं गारंटी लेता हूँ, जो हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हैं, लचीलापन जो आप चाहते हैं, बुढ़ापे में भी आप चाहते हैं कि आप गिर जाएं और हड्डी ना टूटे, तो तिल आप इस्तेमाल कीजिए और इतना बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा कि साइड इफेक्ट नहीं होगा। इंग्लिश दवाइयों का क्या होता है ना, एक टाइम के बाद साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। कोई भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं दवाई बताता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप रेगुलर उसी चीज़ खाएं। मैंने कहा कि कोई एंटीबायोटिक दवाई खानी है आपको 7 दिन 8 दिन 10 दिन, ठीक है इन्फेक्शन के लिए खाई आपने, मैं कहूँगा 1 साल खानी है तो भाई गुर्दे खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप अल्सर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप जब देसी नुस्खे अपनाते हैं साल के साल खा सकते हैं, पूरी लाइफ टाइम खा सकते हैं, कोई इसमें साइड इफेक्ट होने की उम्मीद नहीं होती है। अगर कोई इससे संबंधित क्वेश्चन फिर भी है, कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी जो अधूरी रह गई है समझाने में मैं असमर्थ रहा हूं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।